टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के सलमान रिजवी और आफरीन शेख और अन्य तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मुंब्रा की खराब सड़कों की हालात और इलाके में पानी नहीं आने पर और गार्डन तालाब की सुंदरीकरण के लिए तमाम मुद्दों पर आवाज़ उठाते हुए आज मुंब्रा प्रभाग समिति पर इन कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ये जमकर नारेबाजी भी करते हुए नजर आए और पत्रकारों से बातचीत करते हुए सलमान रिजवी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कांग्रेस पार्टी नहीं चलेगी। सलमान भाई, आज आप लोग अपनी टीम के साथ, आप कांग्रेस पार्टी की टीम के साथ यहाँ मुंब्रा प्रभाग समिति में धरने पे बैठे हैं, क्या कारण है धरना प्रदर्शन का? देखिए, आज के धरना हमारे अध्यक्ष डैशिंग लीडर एडवोकेट विक्रांत चौहान साहब के मार्गदर्शन में रखा गया है। ये कोई नया मुद्दा नहीं, कोई नया आंदोलन नहीं है। शहर के लिए कांग्रेस ने हमेशा जनता के लिए आवाज़ उठाने का काम पहले भी किया था, अभी भी कर रही है और आगे भी करेगी। जिस तरीके से मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 2009 के बाद जब से मुंब्रा शहर के अंदर सत्ताधारी पार्टी का वजूद आया है, हमारे आमदार साहब आए शहर के अंदर, काफ़ी नगर सेवक हैं उनके, लेकिन आज शहर वही है, कोई बदलाव नहीं है। आप देखिए, रोड भी वैसे ही है, गटर भी, हर बारिश में आप देखेंगे कोई एरिया ऐसा नहीं जहाँ पानी नहीं भरता होगा। तो अगर 15 साल के राजकरण के अंदर शहर में कोई बदलाव नहीं आया तो मैं समझता हूँ कि ऐसी पार्टियों का शहर के अंदर कोई काम नहीं। आप कह रहे बदलाव नहीं आया, वो तो कह रहे शहर जो है शंघाई की शंघाई बन गया है। बताएं ना, वो उनकी नज़र में वो शंघाई है कि जहाँ जिनके घर घर में पानी भर जाए, जो रास्ते पे इंसान निकले इतने इतने कीचड़ों में, उनके लिए वो शंघाई। मैं बता रहा हूँ ना, आप मेरे साथ सर्वे करिए और आप लोगों ने किया है बाकायदा। आप देखिए ना, शिमला पार्क के अंदर का रोड है, आज एक साल से इनके पास बोलते निधि नहीं है, लेकिन दरगाह रोड शोभीकरण के लिए 65 से 70 लाख रुपए की निधि इन लोग महानगर पालिका से लेके आते, उसके लिए महानगर पालिका के पास पैसे हैं। गटर भर चुका है, एक एक साल होता है, कोई देखने नहीं आता है। जब इनसे साफ सफाई की मांग करी जाती है तो ये बोलते हमारे पास अधिकारी नहीं है, फंड नहीं आया है, जेसीबी नहीं है। तो खाली शहर की जनता के लिए इनके पास पैसे नहीं है। आप जाके देखिए तनवर नगर, वहाँ कौन से पैसे लगे हुए, तनवर नगर का जो गेट बना है सुशोभीकरण, वहाँ पे भी तो पैसे लगे, वो कहाँ से है पैसे? महानगर पालिका ने दिए, दरगाह पे भी महानगर पालिका ने दिए, तो रोड के लिए क्यों नहीं, शहर के लिए क्यों नहीं? आज मैंने दिया था, 3 महीने पहले एक लेटर दिया था कि शिमला पार्क के अंदर एक तालाब पाली है जो शहर के अंदर एक ही है, जहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप के साथ आते, उसकी हालत देखी जाए, उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया। मैंने मांग की थी उसको महानगर पालिका अपने ताबे में लीजिए, जिस तरीके से कलवा का तालाब पाली है वो देखिए कितना खूबसूरत है, वहाँ पे मतलब एक टाइम है, थाने में जाके देखिए वहाँ पे एक टाइम है, मतलब 5 से 7 और सुबह 10 से 11 ऐसा रखिए तो काम चलेगा। आप इसकी हालत जाके देखिए, यहाँ पे चर्सी, गंजेड़ी, जितने शहर के गुंडे लोग सब वहाँ पे बैठे।